Hello, children, welcome back to Extra Class with uh, Arun Mandal. Children, today we are going to discuss your lesson number 13, Simple Present and Present Continuous Stances from your book, Collins English Grammar and Compositions of Class 4th. Okay, you can check it, uh, you can check your other lessons from the playlist of your class, or link is given in the descriptions. One more thing if you want to join, or if you want to join online classes, or if you वॉन्ट पर्टिकुलर वीडियो एनी पर्टिकुलर वीडियो यू यू कैन ज्वाइन द ज्वाइन बटन यहाँ पर जो एक ज्वाइन बटन है या मेम्बरशिप बटन है इसमें आप क्लिक कर सकते हैं इससे आपको डायरेक्टली हमारी क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप दे, देख सकते हैं साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में जरूर मैंसन करें किस तरह के आपको वीडियोज़ चाहिए और कौन सी लेसन्स चाहिए क्या प्रॉब्लम आ रही है कोई अगर डाउट है या इस तरह से कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करें प्रेजेंट यू नो वेरी वेल दैट टेंसेिस आर थ्री टाइप्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ओके सो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है पर दो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दो टेंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस एनी हैबिचल एक्शंस योर रेगुलर एक्टिविटी इट इज नॉन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो काम रेगुलर हो रही है

वट इज द बॉय डूइंग लड़का क्या कर रहा है द बॉय इज क्लाइंबिंग द ट्री द बॉय इज क्लाइंबिंग द ट्री ठीक है लड़का जो है पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा द बॉय इज क्लाइंबिंग सी एल आई एम बी आई एन जी क्लाइंबिंग द ट्री क्लियर है, है? हो ये हो गया दो सेंटेंस फर्स्ट वन जो हम लोगों ने लिखा सिंपल प्रेजेंट टेंस में था ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है सो रीड दिस सेंटेंसेज जिसमें आपको देखना कीप आई जस्ट आई कीप द जग ऑन द टेबल द बेबी स्लिप्स इन इट्स कोट आई लुक कुक डिनर एवरी ट्यूजडे सी प्ले विथ हर डॉल इन द इवनिंग सारे से सेंटेंसेज है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन भी यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या है डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं वट इज़ द डेफिनेसन डेफिनेशन इज वेरी सिंपल सिंपल प्रेजेंटेंस टॉक्स अबाउट ए नैक्सन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंट मोमेंट इसी टाइम पर जो हम लोग बात करें उसी टाइम पर वो हो, हो, होती है और इसमें इस भब के सिंपल फॉर्म यूज़ होते हैं फर्स्ट फॉर्म यूज़ होते हैं ठीक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ टेलस एन एक्शन दैट गोइंग ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग जब हम लोग बात करें उसी टाइम पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है इसके जो फॉर्म है आपको हमेशा याद रखना इज एम और आर के साथ भब में आई एन जी आ गए जैसे ही इज़ क्लाइंबिंग द स्टेयर्स ईज़ाया और भर्ब के साथ आइनजी इसमें यूज होता है यहाँ पर कुछ एक टेबल है आप देख सकते हो ठीक है आगे हम लोग बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल प्रेजेंटेंस ऑफ द गिवन वर्ब्स इसमें आपका सिंपल प्रेजेंटेंस फिलअप करने हैं सो द मंकी डैस टू इट्स बनाना मंकी को क्या लगता है बनाना खाने में अच्छा लगता तो आन लाइक like आपको यहाँ पर फिलअप करने एल आई के ए लाइक ठीक है आई डैस ऑन द हॉलीडे विद माई पेरेंट्स एवरी ईयर आई गो टू हॉलीडे मुझे हॉलीडे पर जाना यहाँ पर सेकेंड में आप गो फिल अप कर लेना सैरू माई डॉग डैस आवर हाउसेस फ्राम थाइ्स क्या करता है गार्ड करता है ठीक है तो उसमें आप एस लगा लेना क्योंकि ये सिंगुलर है ठीक है डॉग सिंगुलर इसलिए सिंगुलर भर्व का यूज़ करेंगे थर्ड नंबर गर्ड गार्ड है द पोटर डेज ब्यूटीफुल वासेस जो पोर्टर है कुम्हार है मिट्टी के जो बर्तन बनाता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल क्या बनाता है ठीक है तो इसका जो आंसर है पोर्टर मैक्स ए मैक है यहाँ पर ऐसे लगा के आप इसको कर लेना फोर नंबर आएगा ठीक है माई फादर डैज वेजिटेबल्स इन द इवनिंग माई फादर बाई ठीक है खरीदते हैं बाईस ऐसे लगा लेना और यहाँ पर नंबर फाइव है नंबर सिक्स माई ब्रदर डैज इन द पार्क इन द मॉर्निंग माई ब्रदर जॉग जॉग है यहाँ पर एस कर लेना जो टहलते हैं मॉर्निंग में ठीक है नंबर सिक्स नंबर सेवन जो लास्ट वन है देख लेते हैं इंग्लिश डैज माई वर्ड्स एक ही बच्चा है आपका इंग्लिस हैज़ मैनी वर्ड्स इंग्लिस हैज़ मैनी वर्ड्स हैव नहीं आएगा है क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में था आगे करेंगे बी पार्ट बी पार्ट में देख लेते हैं कितने क्वेश्चन और क्या है इसमें लगभग आपके सेवन क्वेश्चन हैं और इसमें करने क्या हैं राइट क्वेश्चन टू ई ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस मे बी सुइटेबल आंसर यूज द क्वेश्चन इन द ब्रैकेट्स ठीक है इसको एक बार देख लो आप क्वेश्चन वर्ड्स इसमें यूज करना री राइट सेंटेंसेस आंसर इसके लिखने हैं क्वेश्चन वर्ड्स इन द ब्रैकेट द फिल्म स्टार्ट एट नाइन सिक्स पी एम छः बजे शाम को क्या होने वाली है फिल्म स्टार्ट होने वाली वैन डज द फिल्म स्टार्ट क्या लिखेंगे वैन ठीक है यहां पर मैं लिख देता हूं डब्ल्यू एच ई एन वैन डज डी ओ एस डज द फिल्म स्टार्ट एफ आई एल एम फिल्म स्टार्ट एस टी ए आर टी क्वेश्चन मेगा आईड ब्रेड एंड जाम फॉर ब्रेकफास्ट व्हाट इसमें जो लिखा हुआ उसको आपको यूज करना व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट फोर ब्रेकफास बी आर ई ए के एफ ए एस टी आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो क्वेश्चन में खाएगा इसमें ठीक है नेक्स्ट नंबर देखते हैं थर्ड नंबर पोल सीट्स इन द ब्लैक बैग बिकॉज ही इज टॉल वाई का यूज़ करना वाई डज़ पोल सीट इन द बैक डब्ल्यू एच वाई वाई डज़ डी ओ ई एस डोज पोल पी ओ पी ए यू एल पोल सीट इन सीट्स इन द बैक एस आई टी एस सीट्स इन द बैक बी ए सी के बैक ठीक है क्वेश्चन मार्के नेक्स्ट करेंगे हम लोग नंबर साहब फोर है मिस्टर थॉमस टीचर्स इन क्राइस्ट कॉलेज क्राइस्ट कॉलेज में वो पढ़ाते हैं वेर ए डज मिस्टर थॉमस टीच क्या होगा डब्ल्यू एच ई आर यू वेर डज डी ओ एस डर थॉमस टी एच ओ एम ए एस थॉमस टीच टी ए सी एच टीच क्वेश्चन मार्क आएगा क्लियर नंबर देखते हैं फोर ठीक है नंबर फोर में क्या है एक बार देख लो आप मिस्ट फोर uh, हो गया फाइव में मानू लुक्स आफ्टर द डॉग हु लुक्स आफ्टर द डॉग ठीक है हु लुक्स आफ्टर द डॉग बहुत ही सिंपल होगा आपके लिए हु लुक्स एल डबल ओ के एस हु का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड हु लुक्स आफ्टर द डॉक एफ टी ई आर आफ्टर द डॉक ए यह यहाँ पर आ गया आपका क्वेश्चन मार्क ठीक है नेक्स्ट फाइव चिल्ड्रेन कम टू पार्क एवरी डे सो हाउ मेनी चिल्ड्रेन कम टू दार्क एवरी डे क्वेश्चन आएगा हाउ मैनी चिल्ड्रेन सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रेन कम टू द पार्क एवरी डे सी ओ Amy come to the park every day. Question mark. Next number seven C uh, goes home by the school bus. How does she go home? How does D O E S does uh, she go home? C go home. होम एच ओ एम ई होम यहाँ पर आ गया क्वेश्चन मार्क क्लियर है सो बी पार्ट हमारा कंप्लीट है सी पार्ट की ओर बढ़ते हैं चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेज इन टू सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको चेंज करेंगे सारे के सारे जो सेंटेंस है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है तो सी पार्ट को देख लेते हैं एक बार uh, क्या करना है ही वॉक्स केयरफुली ठीक है ही इज वॉकिंग केयरफुली तो क्या होगा ही वॉक्स केयरफुली सी ए आर ई F U double L Y carefully. C is standing in the corner. Kyaoga C stands in the corner. C stands S-T-A-N-D-S. stands in the corner. In the corner. Hai? Full stop. He is swimming with his friend. He swims with his friend. He swims S W I M S swims with. हर फ्रेंड्स एफ आर आई ई एन डी एस ही स्विम्स विथ हर फ्रेंड हो गया आई एम लर्निंग टू प्ले द तबला ऑन मंडेज सो आई लर्न टू प्ले द तबला ऑन मंडेज क्या होगा आई लर्न एल ई ए आर एम लर्न टू पी एल ए वाई प्ले द तबला टी ए बी एल ए तबला आई लर्न टू प्ले द तबला ऑन मंडीज ऑन मंडीज एम ओ एंड डी ए वाई एस मंडीज ये फुल स्टॉप है ठीक है ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है नेक्स्ट करेंगे हम लोग दे आर रनिंग ऑन द रोड दे रन ऑन द रोड ठीक है दे रन ऑन द रोड ऑन द रोड आर ओ ए डी रोड फुल स्टॉप आएगा इसमें नेक्स्ट माई मदर इज़ मेकिंग अ पाई नंबर फाइव का था ये सिक्स का बनाएंगे माई मदर मैक्स ए पाए माई मदर एम ओ टी एच ई आर मदर मेक एम ए के एस मैक्स अ पी आई ए पाई फुल स्टॉप है नंबर सेवन देखते हैं द लिजार्ड इज़ क्रोलिंग ऑन द वॉल द लिजार्ड क्रोल्स ऑन द वॉल द लिजार्ड एल आई जेड ए आर डी लिजार्ड क्रोल सी आर ए डब्लू एल एस क्रोल्स ऑन द वॉल ऑन द वॉल डब्ल्यू ए डब्लू एल वॉल फुल स्टॉप आएगा द बर्बर इज कटिंग हेयर द बार द बर्बर कट्स हेयर ठीक है द बर्बर बी ए आर बी ए आर बर्बर कट्स यू टी एस कट्स हेयर एच ए आई आर या आपका हो गया नंबर एट यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी सी पार्ट डी पार्ट की ओर बढ़ते हैं डी पार्ट में देखते हैं क्या है फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस फ्रॉम द फ्रॉम ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इसमें आपको फिल अप करने हैं डी पार्ट में टोटल कितने क्वेश्चन मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पर आपके क्वेश्चन है फर्स्ट सेकेंड है दो है और हमारी जो बुक है आगे आपके टोटल नंबर क्वेश्चन सर एट इसको अभी फ़िलअप करेंगे एट क्वेश्चन ठीक है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपको आइडेंटिफाई करने है, फिर उसके अकॉर्डिंग इसको फिलअप करने हैं बहुत ही सिंपल है अगर अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बस सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें ताकि साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूले इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फीलिंग होती है राइट एक वीडियो बनाने में बहुत सारा एनर्जी लगाना होता है ठीक है एफर्ट लगती है तो मुझे कहीं कही ना कहीं लगता है मुझे खुशी होती है यस दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर माई स्टूडेंट्स एंड दे आर ऑल्सो अप्रिसिएट माई वर्क सो डी पार्ट करते हैं प्र प्रवीर इज इज गोइंग टू बाई एक्स फ्रॉम मार्केट नाउ अभी का काम हो रहा तो इसलिए इज गोइंग आएगा इज गोइंग जी ओ आई एन जी प्रेजेंट टेंस याद रखना डेस इट्स डेस सो हैबिली दैट द स्ट्रीज इज फॉलिंग अप विथ वाटर फीलिंग सो इज रेनिंग आएगा आर ए आई एन आई एन जी रेनिंग ठीक है नंबर थर्ड का आएंगे द चाइल्ड डेस ब्रेकफास्ट एंड डेस विद हर डॉल एवरी डे ईट्स आएगा ई ए टी एस ईट्स एंड ए आएगा आपका क्या प्लेज ठीक है ये हो गया आपका थर्ड का फोर्थ का देखते हैं द कॉक डैस क्रो इन द मॉर्निंग तो द कॉक्स द कॉक क्रो सी आर ओ डब्ल्यू एस सी आर ओ डब्ल्यू एस क्रोज इन द मॉर्निंग number 5 the teacher is doing the teacher is doing d o i n g doing uh, kya aega? a new activity in the class today number 6 please dress your finger nail they are too long please cut kya aega? cut c u t sital is learning to bake is learning l e a r n i n g learning to bake a cake from her mother this afternoon. Next eight number. I am sleeping. I am sleeping. S L W -E P I N G. Sleeping on my brother's bed today. So this is number eight complete. I hope you understood the chapter well. If you found any kind of uh, anything, please mention in comment sections. If you have any kind of any doubt, you also can mention in comment sections. Till then, be happy. See you again in next lesson with the new chapter. Thank you.